बाकी मैंने उसको बोल दिया था काम करने के लिए कि हाँ, फिर मतलब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो शायद फिर बाद में पता चले कि है ना। थोड़ा बहुत काम था जो ऑफिस लिए, मैंने उसको समझा दिया कि मतलब ये काम करना है, तो ऑफिस में मैं जैसे मतलब काम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो भी है उसका करना होगा ना। ज़रूरी है मतलब, आप ये है कि मतलब आप लोग ऑफिस में बैठना है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी रहता है बर्डन, काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है कि हाँ यार इतना वर्क है ना, तो फिर मतलब कैसे काम बनेगा वाला ना, सिस्टम पे बैठ रहना, काम करते रहना है ना, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या करें। और तुम लैपटॉप पे बैठे हो, आराम से काम कर रहे हो, और काम करते करते काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत थकावट से जाता है, ठीक है, तो थोड़ा लगता है कि नहीं थोड़ा ये यहाँ थोड़ा मतलब जाना चाहिए, तो कोशिश मतलब यही रहती है कि जितना थोड़ा स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जाए है ना, तो वो बेटर रहे, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि काम तो ये है कि आपका है, एक्टिव है, चल रहे हो और काम पे है, तो फिर सब कुछ लेके चलना पड़ता है ना, फिर उस हिसाब से देखना ही पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना अच्छी तरह से काम करें वो बेटर हो, चाहे जितना मर्जी हो क्यों ना हो, उसके ऊपर अकॉर्डिंग रहता है कि हाँ आपके ऊपर कितना ही डिपेंड रहता है ना, डिपेंड कितना रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है मतलब, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रहता है, तो हर किसी का अलग अलग फंडा है, क्या कैसे उसको मतलब कंज्यूम करता है, कैसे मतलब उसको स्ट्रेस को कम करता है, और क्या उसको वर्क वर्क रहता है प्रॉपरली, मेंटेन वर्क कैसे उसको हैंडल करना है ना, प्रेशर को कैसे उसको हैंडल करना होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, तो ये सारा वर्क मतलब चलता रहता है ना। तो स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि आप जितना भी स्ट्रेस का लोड वगैरह है वो मतलब कम ही रखें तो सही रहे ना, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि लोडिंग मतलब ये रहता है कि आप इतना ही कंज्यूम क्यों ना करें हो, है ना, वो प्रॉपरली मेंटेन वर्क तो मेरे से रहता नहीं है, और जितना रहता था उसको इस हिसाब से फिर आदमी करता नहीं है, तो उसको हेल्थ को कैसे करके रखना है तो फिर देखना पड़ता है ना। कितना रहता है लोड, कितना रहता है आपके ऊपर, कितना प्रेशर रहता है ऊपर, कैसे हैंडल करो कैसे, तो है ना, तो ये सब चीज़ें मतलब लेके चलनी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़रा है कितना कुछ वर्क है, समझाना पड़ता है इसको, ये काम करना है इसको, ऐसा काम करना है इसको, ऐसा काम करना है ना, तो धीरे धीरे आदमी का भी थोड़ा वो नॉलेज रहता है कि हाँ यार मैंने ये बोला था तो आज उसको ये काम करना था, तो समझाते गया था मैं भी उसको कि हाँ आपको ऐसा करना है, ताकि उस पर्सन को ये लगे कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ ना, हर जगह पे कुछ ना कुछ मतलब चेंज होता रहता है, टाइम लगता है थोड़ा बहुत, सीखने का भी रहता है, हर चीज़ का रहता है, और सीखना भी चाहिए क्योंकि हर चीज़ सीखने से ही होती है, बिना उसके तो नहीं होगी ना, आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी उस चीज़ को, कि कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको ठीक करना है ना। कुछ भी हो फिर भी आप एक बार मतलब कोशिश ज़रूर करें कि मतलब कैसे उसको मेंटेन करना है, सीखने का कोई वो नहीं है कि हाँ आप मतलब ये बोल रहे हो कि मतलब हम नहीं पता कर पाएंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, आप उस काम के लिए आप कर सकते हो ना, खाली आपका ये ना हो कि मतलब प्रेशर है किसी भी चीज़ का कि हाँ नहीं बोला गया है तो ही करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है ना, बस ये चीज़ ना 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 रहे, और सब कुछ प्रॉपर मेंटेन वर्क्स में रहे तो अच्छा रहता है, और कैसे उस काम को हैंडल करना है, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है, जब आदमी सीख जाता है तो उसके ऊपर आदमी को धीरे धीरे वो काम आ जाता है।